हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस गुणों से भरपूर एमेरंथ यानी कि एमेरंथस के बारे में। हम लोग जो हैं अपने गार्डन में इतने सारे प्लांट लगाते हैं, मेरी एक ये एडवाइस है कि आप जो है इस एमेरंथस को भी ज़रूर जगह दो अपने गार्डन में, क्योंकि ये जो प्लांट है इसका सभी हिस्सा बहुत ही फायदेमंद है। चाहे इसकी पत्तियां हों, चाहे इसके दाने हों, बीज या फिर इसकी स्टेम, सभी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टेम जब ये प्लांट ख़त्म हो जाए तो स्टेम निकाल करके इसकी सूप भी बनाई जा सकती है। इसका हम आपको फूल दिखाते हैं, कितना सुंदर है ये देखिए। इसका फूल है, इसके अंदर जो होते हैं इसके दाने जो कि बीज भी कहे जा सकते हैं वो मिलते हैं। उन बीजों को जो है राजगिरा के दाने या फिर रामदाना भी कहते हैं। हमारे इलाहाबाद में रामदाना के नाम से ज़्यादा फेमस है ये, और रामदाने की जो चिक्की आती है या फिर लड्डू बहुत पॉपुलर हैं, व्रत में ये बहुत खाए जाते हैं। और वो जो हैं ये न्यूट्रिशियस से भरपूर हैं। ये देखिए इसका फूल है, इसी के अंदर जो है ये दाने मिलेंगे। ये देखिए बहुत प्यारा इसका फूल भी देखने में लगता है। ये जो प्लांट है इसको हम लोग साल भर किसी भी समय लगा सकते हैं। इसकी हाइट भी काफ़ी लंबी हो जाती है, कम से कम हमारा ही जो प्लांट है ये 1.5 मीटर तक तो आराम से है। इसको मैं देख रही थी कि कितना लंबा होगा ये प्लांट, फिर जब ये लुढ़कने लग गया दूसरे प्लांट्स पर तो मैंने यहाँ से इसको काट दिया, इसकी जो ये स्टेम थी काट दिया तो इसमें और सारी ब्रांचेस निकल आई। एक्चुअली में काटना तो हमें पहले ही चाहिए था, लेकिन हम भी चक्कर में थे देखने में कि कितनी हाइट इसकी होती है, तो उस चक्कर में काफ़ी लंबा हो गया ये। इसको जो है बहुत ज़्यादा ठंडक यानी कि दिसंबर जनवरी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी जून में ना लगा करके इसके बीज आप साल भर में किसी भी समय बो सकते हो, और अभी भी आप लगा सकते हो। इसके पैकेट जो हैं, जो बीज के पैकेट हैं, बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे उस शॉप में जहाँ पर कि फूलों के बीज मिलते हैं या फिर ये सब्जियों वाले बीज मिलते हैं, वहाँ पर बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। इनके बीजों को आप साधारण ऐसे ही मिट्टी में डाल दोगे, सब जर्मिनेट हो जाते हैं, 100% रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहीं के बीज झड़ जाएंगे तो यहीं पर ही निकल आते हैं, कुछ दिन बाद ही निकल आते हैं। इसको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बिल्कुल साधारण मिट्टी में लगा सकते हो और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। ये जो टिप वाली कटिंग होती है ना, यही आप 3-4 इंच की निकाल करके लगा दीजिए, शेड में रखिए बस कटिंग को लगा करके, ये ग्रो हो जाएगा। इसकी पत्तियाँ देखिए कितना प्यारा कलर है, ये पत्तियाँ बस गर्मी जब आती है मई जून में तब तो हरे रंग की रहती हैं बिल्कुल, और बाद में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसको जो है ग्रो करने के लिए बिल्कुल आप साधारण सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो, और जब ये बिल्कुल साधारण सॉइल में ग्रो कर सकते हो आप, और अगर आप जो है इसकी वैसे अलग से मिट्टी बनाना चाहते हो तो एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट बालू और एक पार्ट जो है कंपोस्ट, थोड़ी बहुत गोबर खाद मिला करके लगा दीजिए, चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा बार बार फर्टिलाइज़र डालने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे हम तो जो है अधिकतर अपने जो भी प्लांट्स मेरे टेरेस में लगा है, मैं अलग अलग फर्टिलाइज़र नहीं बनाती हूँ, एक ही फर्टिलाइज़र बना कर सब में डाल देते हैं, उसी में वही इसमें भी डालते हैं। यहाँ पर जो इसकी मिट्टी में हमने कोकोपीट यूज़ करा है, मैंने जो है 2 हिस्सा कोकोपीट, 1 हिस्सा कंपोस्ट, तो 1 हिस्सा जो है गार्डन सॉइल बनाया था, वही चल रहा था। और कभी कभी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम अपने सभी उसमें डालते हैं, प्लांट्स में डालते हैं, वही इसमें डाल देते हैं, अलग से नहीं डालते हैं कुछ भी। और इसको जो है हम लोग फुल सनलाइट में भी रख सकते हहैं, और अगर आपके यहाँ पर 3-4 घंटे की रोशनी आती है तो उसमें भी आप इस प्लांट को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से ये चलता रहेगा। और पानी उतना ही डालिएगा कि मिट्टी जो है इसकी हल्की सी मॉइस्ट रहे। इसकी जो स्टेम है बहुत ही स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग टाइप की है ये। ये देखिए पूरा उसमें व्यू, ये जो प्लांट है इसका फूल देखिए कितना सुंदर है। इसका जो ये पहले तो ताजा वो फूल था, अभी जब सूखने लगेगा तो हल्का हल्का सा ऐसे ब्राउन कलर का होगा। इसको आप ऐसे मसलोगे ना तब इसके अंदर से राजगिरा या फिर रामदाना निकलता है। देखिए 1-8 दाने आए हैं, ज़्यादा दाने नहीं आए हैं क्योंकि मेरा सूखा नहीं है फूल पूरी तरीके से। अगर ये झड़ गया तो यहीं पर जर्मिनेट भी हो जाएंगे सब,
तभी थोड़े और दिन लगे रहेंगे, फिर सूखेंगे ये। इसकी पत्तियां जो थी ये कैटरपिलर खा गए यहाँ पर, फिर मैंने जो था उनको नीम ऑयल पर उन पर स्प्रे करके उनको भगाया है, मारा भी एक हाथ को। एक्चुअली में हम केमिकल इसलिए यूज़ नहीं करते कि इसकी पत्तियां जो है हमारे हम फैमिली मेंबर भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। जब भी हम लोग टेरेस में आते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए तो खाली पेट ही इसकी पत्तियाँ जो है 3-4 पत्तियाँ ऐसे ही खा लेते हैं। ये जो है बहुत न्यूट्रिशियस है, इसमें जो कहते हैं इतना प्रोटीन मिलता है जितना कि एक मछली में, और साथ में इसमें जो है गेहूं की तुलना में चौलाई, इसको चौलाई भी दोस्तों बोलते हैं, चौलाई के दानों में 10 गुना अधिक कैल्शियम मिलता है। ये इसकी मैंने कटिंग ग्रो करी थी, काफ़ी दिन हो गए हैं अब तो, ये वाली तो खराब सी भी लग रही है अब तो, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है आपको अंदर से दिखाने में। इसका देखिए अभी हरा रंग ही है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप लगती है। तो फ्रेंड्स इसको जो है इंसेक्ट्स वगैरह वैसे तो नहीं लगते हैं, लेकिन वही है कैटरपिलर वगैरह लग जाते हैं, तो इसलिए आप नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते रहो, चलता रहेगा प्लांट। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को आप जरूर लगाओ, आपको जहाँ जब भी जैसे मौका मिले आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, सीड से भी ग्रो कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।